हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि इसमें सिलेक्शन किस बेस पर होता है। तो पीजीटी के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो चुका रहता है, और पीजीटी कैंडिडेट टीच क्लासेस 11th क्लास एंड 12th क्लास। तो पीजी में अगर किसी का पीजीटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है तो उसे 11th क्लास पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, 11th और 12th क्लास पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और इसका ये इसमें जो है द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें पहला होता है कि रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, दूसरा होता है कि मेरिट लिस्ट। तो आपके रिटन एग्ज़ाम के कितने परसेंटेज जोड़े जाते हैं, इसमें रिटन एग्ज़ाम के आपके 85% जो है आपका रिटन एग्ज़ाम का जोड़ा जाएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका 10% और स्पेशल क्वालिफिकेशन का आपका 5%। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि किसी ने पीएचडी की है, किसी ने एमएड किया है, किसी ने बीएड किया है, तो इस पर उसको 5% इसके बेस पर उसको दिया जाएगा। तो ये 85% के अंतर्गत कितने नंबर आएंगे रिटन एग्ज़ाम में, तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 500 नंबर का होता है, और 500 में 425 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो ये 85% का मतलब है कि 425 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में आप कितने नंबर आपको मिलते हैं वो नंबर, और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब 10%, 10% का मतलब होता है 50 नंबर आपके इस बेस पर दिए जाएंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो 50 नंबर में से जो भी आपको मिलते हैं। फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि इसमें आपको 25 नंबर का होगा, 5% का मतलब यहाँ पर है 25 नंबर। तो ये 50, 25 और 425 मिला के टोटल हो जाएंगे आपके 500 नंबर। तो 25 नंबर के अंदर जैसे कि किसी ने एमएड भी किया है, बीएड भी किया है, तो उसके अलग उसको नंबर दिए जाएंगे। तो ये 25 में से सबको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे, और ये 425 में से जो नंबर लाए रहेंगे, तो 425 फिर 50 में से कितने नंबर हैं, फिर 25 में से कितने नंबर हैं, ये सारे टोटल करके फिर आपकी मेरिट बनेगी, फिर उस मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो टोटल आपका जो वो है नंबर है वो है 500 नंबर, 500 में 425 आपका रिटन एग्ज़ाम का होगा। और टीजीटी में क्या होता है कि टीजीटी स्टैंड फॉर ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर, इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन स्तर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, और ये टीजीटी के जो कैंडिडेट हैं उनको जो क्लासेस मिलेगी पढ़ाने की वो 9th क्लास को टीच करेंगे और 10th क्लास को, दोनों ही क्लास को वो टीच करेंगे। और इसकी इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 500 नंबर के, तो उस 500 नंबर में आपने कितना स्कोर किया है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो टीजीटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पीजीटी से अलग है, क्योंकि पीजीटी में जो है ये सारे नंबर ऐसे करके इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो कि टीजीटी में ऐसा नहीं है। सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वो भी उस बेस पर बनेगी कि आपने कितने नंबर 500 में आपने गेन किए हैं। और जहाँ पर जैसे कि किसी कैंडिडेट का नंबर सेम आ जाता है, दो कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू मी, कि मैंने अभी तक यही देखा है कि अगर किसी का सेम नंबर आ जाता है, कि कई सारे कैंडिडेट हैं उनका सेम नंबर आ गया, तो उसमें देखा जाएगा कि एज किसकी ज़्यादा है। जैसे कि किसी 35 इयर्स के बच्चे का क्या नंबर आ गया, मान लीजिए कि उसका नंबर है 102, और इधर जो है 23 एज की कोई लड़की, उसका नंबर आ गया है 102, तो फिर किसका सिलेक्शन होगा। तो फिर एज देखी जाती है कि ये जो है कम एज के हैं, ये ज़्यादा एज के हैं, तो इनके पास चांसेस कम हैं अब जॉब के, तो इन्हें जो है इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू मे है, और जैसा कि अभी तक हमने यही देखा है सिलेक्शन में कि एज को प्रेफरेंस दिया जाता है अगर किसी का सेम नंबर आ जाता है। थैंक यू।